नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, मैं इस बार की वीडियो लेके आऊँगा आप सभी के लिए मधुमक्खी पकड़ने से संबंधित। ठीक है जी, तो मेरी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मधुमक्खी पकड़ना सिखाऊंगा, और साथ में जो हम मधुमक्खियाँ पकड़ेंगे वो बिल्कुल अलग तरह की कंडीशन होगी, और इस तरह की बास्केट रहेगी, लकड़ की टोकरी रहेगी, इसमें हम मधुमक्खियों को पकड़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आपने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना है मुझे आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना है ताकि जब भी मेरी मधुमक्खी के रिगार्डिंग कोई वीडियो आए नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों करते हैं आज की वीडियो शुरू। ये देखिए यहाँ पे मधुमक्खियां बैठी हैं, जो कि एक पुराना ट्रेडिशनल घर है, जो कि मिट्टी और लकड़ी का बना हुआ घर है। तो इसकी जो खिड़की है, खिड़की पे पिछले कल मक्खियाँ आ गई हैं और वो वहाँ बैठ गई हैं। तो इस तरह की कंडीशन अगर आपको मक्खियाँ मिले तो मैं आपको पकड़ना बताऊँगा इनको, किस तरह से हम इजी तरीके से मक्खियों को पकड़ सकते हैं। तो हमें जो टोकरी है, ठीक है, टोकरी के अंदर हल्का सा शहद लगा देना है, और उसके बाद हमें मक्खियों को जो जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से हमें मक्खियों को पकड़ लेना है। हमें टोकरी के अंदर जब स्वाम को डालना है तो उस दौरान हमें एक सावधानी का ध्यान रखना है। टोकरी में हमने स्वाम को डाल दिया, उसके बाद हमें टोकरी को एकदम सीधा नहीं करना है। अगर हम एकदम सीधा करेंगे तो मक्खियाँ जो होगी वो नीचे गिर जाएंगी। हमें बहुत धीमी रफ्तार में टोकरी को सीधा करना है और ऑब्जर्व करना है कि मक्खियाँ जो है वो टोकरी में बैठ रही हैं, और उसके बाद हमें जो खाना बनाने की हमारी स्पून कड़छी होती है उसको लेके हमें टोकरी के अंदर मक्खियों को डालना है। इस तरह से जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है, मैं बाहर देखिए मक्खियों को रख रहा हूँ लेकिन वो टोकरी के अंदर सीधी चलती जा रही है, और हमें मक्खियों के साथ बिल्कुल सावधानी के साथ काम करना है। मक्खियों को मसलना नहीं है, हमें स्पून से कड़छी से आराम के साथ काम करना है। और एक चीज़ और बता दूं, हमें मक्खियों को जब हम पकड़ दें तो उस दौरान मक्खियों का वजन होता है तो हमारा हाथ थक जाता है, तो हमेशा आप जो हमारी बास्केट होती है, टोकरी होती है, उसमें एक धागा लगा रखें, और जैसे ही आपको कहीं जगह मिलती है तो आप टोकरी को इजीली वहां लटका सकते हो। तो मैंने देखिए यहाँ पर टोकरी को लटका दिया, और जो उड़ती हुई मक्खियाँ होंगी वो अपने आप टोकरी में चलती जाएंगी, क्योंकि मैंने टोकरी को ऐसी जगह लगाया है जहाँ पे कि मक्खियाँ पहले से ही बैठी थी। तो मैं जितनी मक्खियाँ होंगी उनको टोकरी में इसी तरह सेम प्रोसेस से डालूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। और हमें कभी भी दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कभी भी अगर मक्खियों को पकड़ने जा रहे हो, मधुमक्खियों को पकड़ने जा रहे हो, तो कभी भी सेफ्टी के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें आप। जो हमारी बी बेल होती है, सिर पे लगने वाली टोपी, और हाथ में ग्लव्स पहन के जाएं, क्योंकि मक्खियां कब एग्रेसिव हो जाएं कोई पता नहीं लगता है। अगर मक्खी एग्रेसिव होगी, आँख से काट लिया तो कोई दिक्कत नहीं, दो दिन तक आँख बंद रहेगी, लेकिन आँख की जो अंदर मेन आँख के अंदर पुतलियाँ होती हैं उसके अंदर काट लिया तो भाई साहब आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सेंसिटिव हमारी आँखें हैं, तो हमेशा हमें काम कैप बी बेल को लगा के ही काम करना है। तो हमें टोकरी में धागा लगा देना है जिससे कि हम कहीं पे भी टोकरी को लगा सकते हैं। तो ये देखिए धागा लगाए और टोकरी हमारी स्टेबल है, एक जगह पे हम कहीं पे बांध सकते हैं। और मैं सारी मक्खियों को जो है वो टोकरी में इसी तरह स्पून से कड़छी से डाल दूंगा, और ये स्वाम जो मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तो अब सबसे मेन चैलेंज जो है वो है इन मक्खियों को यहाँ से अपने घर तक ट्रैवल करवाना, और इन्होंने एक रात में, ये देखिए सामने कॉम बन चुका है, एक रात में इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था। तो जो मक्खियां बाहर रह चुकी हैं सामने, तो वो अपने आप उड़ के टोकरी में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने रानी को टोकरी के अंदर डाल दिया है।
और फाइनली जितनी मक्खियाँ बाहर थी वो सारी टोकरी में आ चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पे सारी मक्खियाँ जो टोकरी में आ चुकी हैं, और अब मेन बात है जुगाड़ की, इनको अपने घर तक 3 किलोमीटर दूर तक लेके जाना, क्योंकि अगर मैं सिंपल इनको ले जाऊँगा तो एक बाइक पे एक जंप लगेगा और सारी मक्खियाँ जो होगी वो नीचे गिर जाएंगी। तो बारी आती है जुगाड़ की, तो मैं एक पुरानी बी बैल ले लूँगा और सबसे पहले मैं अपनी टोकरी को खोल लूँगा, जो इसमें धागा लगा है उसको खोलूँगा, और जो मैंने सिर पे बी बैल लगाई है इसी तरह की एक पुरानी बी बैल ले लूँगा और उसमें ऊपर वाली साइड में एक छेद कर दूँगा, जिससे कि मेरा जो धागा है वो ऊपर बाहर निकल जाए। तो मैं धागे को टोकरी के बीच में पिरो दूँगा, डाल दूँगा उसको, ठीक है। तो डालने के बाद इजीली देखिए भाई साहब, आप देखिए दोस्तों जुगाड़ देखिए मेरा, मक्खियाँ इजीली हमारी टोकरी के अंदर कैद हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, और आप 3 के आप 4 किलोमीटर दूर भी मक्खियों को ले जा सकते, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन है, हवा के लिए गुंजाइश है, और मक्खियाँ बिल्कुल भी स्ट्रेस पे नहीं आएंगी। और इसको मैं ऊपर बांध दूँगा, तो उसके बाद मक्खियाँ जो बाहर मंडरा रही हैं, मैं 10 मिनट तक सारी मक्खियों को इसके अंदर डाल दूंगा, अपने आप सारी मक्खियाँ इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा स्वार्म है, और मक्खियाँ जो है वो बाहर से अंदर जा रही हैं। तो आपको जुगाड़ कैसा लगा? अगर जुगाड़ अच्छा लगा तो यार लाइक तो बनता है भाई साहब। तो ये देखिए आप, मैं नीचे से दिखाता हूँ, मक्खियाँ जो हैं वो अंदर जा रही हैं, कंटिन्यू सारी मक्खियाँ जो 10 मिनट में कवर हो जाएंगी, और मैं इसको नीचे से बंद करके अपने घर ले जाऊँगा। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो मुझे लगता है आप सभी के डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट्स है वुडन टोकरी को लेकर कि कहाँ मिलती है ये टोकरियाँ, ठीक है, आई एम हियर प्रदीप कुमार, इस तरह का सामान सेल आउट करता है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग है इस आइटम में, ठीक है। और अगर किसी भाई का मधुमक्खी पकड़ने से रिलेटेड कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है, मैंने जैसे मक्खियों को पकड़ा, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए है। तो वीडियो कल तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक वीडियो में, जिसमें कि हम मधुमक्खी के जो पुराने हमारे फ्रेम्स होते हैं उसमें वैक्स लगा होता है, उसको पिघला के हम बहुत जल्द वैक्स बनाना सीखेंगे।